अलीगढ़ में नेहा खान प्रकरण अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। 26 अप्रैल को हुए इस प्रकरण में अब राजनीति भी चमकने लगी है। यह वही नेहा खान है जिन पर 26 अप्रैल को कोरोना वैक्सीन बर्बाद करने का आरोप लगा था, जिसके बाद नेहा खान को पीएचसी जमालपुर से सस्पेंड किया गया था और सिविल लाइन थाने में मुकदमा पंजीकृत भी कराया गया था। वहीं पूरे प्रकरण में सीएमओ स्तर से भी जांच की जा रही है, लेकिन जांच की अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ कांग्रेसी भी कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे, जिनका ज्ञापन एसीएम संजीव ओझा ने प्राप्त किया। वहीं मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं इस प्रकरण में साजिश करने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजने की भी मांग की गई, अन्यथा मुस्लिम समुदाय इस प्रकरण को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए बाध्य होगा। डॉक्टर मुफ्ती जाहिद अली खान ने बताया कि कोरोना वैक्सीन बर्बाद करने के प्रकरण में नेहा खान पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई। अगर जांच की गई तो उसकी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत क्यों नहीं की गई? उससे पहले ही नेहा खान को सस्पेंड कर दिया गया, FIR दर्ज की गई, जो सरासर साजिश के तहत किया जा रहा है, जिससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग की है। नेहा खान पर जो आरोप लगाए गए हैं वह सरासर झूठे हैं, गलत हैं और साजिश के तहत लगाए गए हैं। प्रशासन पर कोई मुसीबत खड़ी ना हो इसके लिए ही हम कुछ लोग ही ज्ञापन देने पहुंचे हैं, नहीं तो हमारे साथ हजारों की तादाद में लोग होते जिससे प्रशासन पर मुसीबत आम खड़ी होती। जिन्होंने भी इस प्रकरण में साजिश की है उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और नेहा खान को आरोपों से बरी किया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकरण को मजबूती से रखेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ACM संजीव ओझा ने बताया कि नेहा खान प्रकरण में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जिसे प्राप्त कर लिया गया है। जिलाधिकारी से मिलकर पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया जाएगा और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। अलीगढ़ के मुस्लिम समाज के लोग आज DM साहब के कार्यालय में आए हैं ज्ञापन लेकर। पिछले दिनों में जो जमालपुर में हेल्थ सेंटर है उसमें नेहा खान का वैक्सीन बर्बाद करने का जो मामला सामने आया है, इसके ताल्लुक से हम लोगों ने यहाँ अपना विरोध प्रदर्शन कराया है। और उसमें मीडिया का एक तबका जिस तरह से देश में नफ़रत का जहर खोलने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ सच्चाई सामने लाने की कोशिश की गई है। हम साहब को ये ज्ञापन दिया है और हमारी डिमांड ये है कि एक इक्वाडोर का 26 अप्रैल 2021 का एक डॉक्टर ने या उस कंपाउंडर ने एक आदमी को जो वैक्सीन लगाई थी और वैक्सीन न लगाकर उसको शो किया था कि लगाई थी, ये 26 अप्रैल की बात है, और उसको यहाँ अलीगढ़ का नेहा खान के खिलाफ करके और झूठी एक केस बनाकर उसको सस्पेंड कर दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है। इस मुल्क को इस तरह नहीं चलाया जा सकता। मीडिया का एक तबका भी इसी तरह से काम कर रहा है। ये आप लोग खड़े हैं, मुफ्ती साहब वगैरह हैं, आगा यूनिस साहब हैं, इन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है किसी कोई मुस्लिम नर्स के खिलाफ, कह रहे हैं कि झूठे आरोप और दुष्प्रचार लगाए गए हैं, आपका कहना है, उसी संबंध में ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को संबोधित है। हम DM साहब को मिलके उनकी भावना को अवगत करा। तो नेहा खान है, ये नेहा खान के खिलाफ है? जी वैक्सीनेशन का मामला है सर, जो नेहा खान ने वैक्सीन, आप वैक्सीनेशन वाला ही मैटर है। आज यहाँ अलीगढ़ के मुस्लिम संगठनों के साथ मैं आया हूँ और आप लोगों की बात वाजिब बिल्कुल सही है कि एक तरफ एक मीडिया का एक तबका पूरे रणनीति के तहत देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए, वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न करने के लिए एक अपना एजेंडा चला रहा है। उसी एजेंडे के तहत एक मुस्लिम लड़की जो कहीं पर कार्यरत थी, जिसको बाकायदा आरोपित बनाकर और उसको ये साबित किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपराधी है। अगर वैक्सीन की कहीं कोई नुकसान हुआ है तो उसके अंदर तमाम संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। एक लड़की को जबरदस्ती बिना जांच के, मेरी CMO से परसों बात हुई, CMO ने कहा कि कोई अंतिम रिपोर्ट अभी जांच की नहीं आई है, तो ये भी बात गलत है कि कोई रिपोर्ट जांच की रिपोर्ट आई नहीं। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।